हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपने ड्राइंग शीट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अब एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जो कि है ऑप्शन। ऑप्शन को हम शॉर्टकट में OP भी टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर हम डिस्प्ले टैब के अंदर जाएंगे। दोस्तों, डिस्प्ले टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर एक कलर बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर बटन के ऊपर और फिर हमारी नई विंडो खुल जाएंगी, ड्राइंग विंडो कलर्स। इसके अंदर हम 2D मॉडल स्पेस के अंदर जाएंगे और उसके अंदर फिर यूनिफॉर्म बैकग्राउंड के अंदर, और उसके अंदर हम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कलर हैं, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। कलर चूज करने के बाद हम अप्लाई एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। अगर हम इसी तरह हम अपना कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। दोबारा वहीं पे कलर बटन के ऊपर क्लिक करके फिर कलर्स के अंदर हम चेंज करेंगे किसी भी कलर को, जैसे मैजेंटा चूज़ करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर हमें पहले वाला कलर चाहिए जो स्टार्टिंग में डिफॉल्ट था, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिस्टोर ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर रिस्टोर कर देंगे, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। एंड फिर अप्लाई एंड क्लोज, और फिर यहाँ पर भी दूसरे जो ऑप्शन विंडो उसमें भी अप्लाई और ओके करेंगे फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारा कर्सर का साइज छोटा है, अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है या और ज़्यादा बड़ा करना है तो उसके लिए हम फिर दोबारा ऑप्शन कमांड के अंदर जाएंगे, OP टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे और फिर बाद में हमारी ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्प्ले टैब में क्रॉस हेयर साइज़ है, इसको हम अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा साइज़ बढ़ जाएगा क्रॉस कर्सर का। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कर्सर का साइज़ बढ़ चुका है, ये पहले हमारा स्मॉल था अब बड़ा हो गया। हम इस तरह से अपने साइज़ के अनुसार इसको बड़ा और घटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम वापस ही जैसे अपने पिछले वाले साइज़ के ऊपर जाएंगे जो कि हमारा 5 था लगभग, तो वो टाइप करें 5 और फिर अप्लाई एंड ओके। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कि अगर हमें इस कलर का वाइट कलर है यहाँ पर हमारा कर्सर का, तो इसके ऊपर हम येलो कलर लेके आना चाहते हैं कर्सर का, तो कलर्स में जाएंगे और उसके अंदर कर्सर को सिलेक्ट करेंगे। कर्सर का अंदर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, फिर अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई ओके। और जैसे ही अप्लाई और ओके करते हैं तो हमारे यहाँ पर कर्सर का साइज़ येलो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमको इसको रिस्टोर करना है जैसा हमारा पहला कलर था, तो हम वही करेंगे रिस्टोर ऑल कॉन्टेक्स्ट और फिर बाद में अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कमांड समझ में आई होगी।